नमस्कार। राजस्थान में सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने स्कूल और कॉलेजों को लेकर बड़ा फैसला किया है। गृह विभाग द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल और कॉलेजों में कैंटीन फिलहाल बंद रहेंगे। स्कूलों और कॉलेजों को बंद नहीं किया जाएगा। इसी तरह स्कूली बच्चों पर ऑफलाइन क्लास का दबाव भी नहीं डाला जा सकेगा। स्कूल भेजना भी अनिवार्य नहीं होगा। स्कूलों में बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था जारी रहेगी। राजधानी जयपुर में तेजी से कोरोना के मामले में इजाफा हो रहा है। शुक्रवार को 9 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। राजस्थान में कोरोना के नए मामलों में इजाफा हो रहा है। राजधानी जयपुर में लगातार स्कूली बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नया दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नए नियम के मुताबिक स्कूलों में बच्चों के लिए कैंटीन फिलहाल बंद रहेंगे। स्कूल कैंप्स को रोजाना सैनिटाइज भी करना होगा। स्कूल को ऑनलाइन क्लासेज भी जारी करनी होगी। बच्चों को स्कूल आने के लिए किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला जाएगा। बढ़ते कोरोना मामले के बाद शैक्षणिक गतिविधियों के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन की है। शैक्षणिक संस्थानों में अग्रिम आदेश तक प्रार्थना सभा नहीं होगी। अगर स्कूल या कॉलेज में कोरोना पॉजिटिव केस मिला तो 10 दिन के लिए संस्थान बंद कर दिए जाएंगे।